प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवारे 11 वागे 78मी वक्त करशे मन की बात। पीएम मोदी आज मन की बात में देश में रसीकरण की कामगिरी तेमज जम्मू काश्मीर नेताओं साथ थयेली बैठक अंगे बात करी शके छे। तेमज जापान में योजनारी टोक्यो ओलिम्पिक्स अंगे पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करी शके छे। महत्वनुं छे कि प्रधानमंत्री मोदी दर महीनाना छेल्ला रविवारे देशवासीओ साथे मन की बात करे छे। आ पहेला पीएम मोदीए 30मी मेना रोज मन की बात करी हती, जेमां पीएम मोदी पंचमहाल में कोरोना वॉरियर्स दिनेश उपाध्याय साथे खास बात करी हती। साथे ज गत महीने 30मी मेना रोज केन्द्र में भाजपना नेतृत्ववाड़ी एनडीए सरकार ने 7 वर्ष पूरा थया हता। तो आज मन की बात मोदी थकी रेडियो ना कार्यक्रम थकी तमाम लोगों साथे संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नु आज घना बदा मुद्दाओ है तेने लईने मन की बात में प्रधानमंत्री बातचीत करी शके छे। जापान में योजनार टोक्यो ओलिम्पिक्स अंगे बातचीत करी शके छे। वेक्सिनेशन ने लईने जे महाअभियान शुरू करवामां आव्युं छे तेने लईने बातचीत करी शके छे। साथे साथे डेल्टा प्लस जे वेरिएंट आवी रह्यो छे तेने लईने पण लोकोने सावचेती राखवानी पण एक सूचनो आपी शके छे। तो हवे बात करीशुं गुजरातना प्रवासे मनीष सिसोदियानी। दिल्लीना उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज गुजरातनी मुलाकाते छे। मनीष सिसोदिया सूरत पहोंचशे। मनीष सिसोदिया सर्किट हाउस में आपना नेताओं साथे मुलाकात करशे। मनीष सिसोदियानी उपस्थिति में मोटी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी में जोड़ाई शके छे। आम आदमी पार्टी प्रमुख गोपाल इटालिया ने पत्रकार माथी नेता बनेला इसुदान गढ़वी की हाजरी रहेशे। अगाउ मनीष सिसोदिया 24मी जूने गुरुवारे मुलाकात लेवाना हता, परंतु नादुरस्त तबियतना कारणे तेमनी मुलाकात रद्द थई हती। मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फरेंस पर सौ कोई नजर रहेशे। तो दिल्ली नायब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात की मुलाकाते आवी रह्या छे। 2022 नजीक आवी रही है त्यारे तेमनी आ गुजरात मुलाकात सूचक मानवामां आवी रही छे। एरपोर्ट थी सीधा तेओ सर्किट हाउस खाते पहोंचशे। नेताओं साथे तेओ मुलाकात करशे। आपना नेताओं साथे तेमनी खास बातचीत रहेशे। अने हवे बात करीशुं वरसादनी आगाहीनी। राज्य में आज थी 3 दिवस वरसाद पड़वानी हवामान विभागे आगाही करी छे, जेमां वलसाड, दीव, दमण, दादरानगर हवेली, पोरबंदर और नवसारी में भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। तो कच्छ और सौराष्ट्र में पण वरसादनी जमावट जोवा मळी शके छे। 2 दिवस बाद वरसादमां वधारो जोवा मळशे। जो कि 3 दिवस सुधी राज्यमां वादळछायुं वातावरण रहेशे। अनेक जिल्लाओमां आगोतरा वरसाद बाद मेघराजाए विराम लीधो छे, त्यारे खेडूतो वरसादनी आतुरताथी राह जोई रह्या छे। वरसाद खेंचाय तो चोमासू पाकने नुकसान थवानो डर छे। त्यारे 3 दिवस वरसादनी हवामान विभागे आगाही करता खेडूतोने मोटी राहत मळी छे। हवामान विभाग तरफथी फरी एकवार वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। वलसाड, दीव, दमणमां भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। गुजरातमां 3 दिवस वरसाद वरसी शके छे। तो 2 दिवस बाद फरी एकवार वरसादी माहौल जोवा मळशे। कच्छ अने सौराष्ट्रमां पण वरसादनी हवामान विभाग तरफथी आगाही। तो गांधीनगर राज्यभरमां आजे माहिती खातानी परीक्षाओ योजावा जई रही छे। जुदी जुदी जग्याओ माटे आ परीक्षा योजाशे। वर्ग 1 अने वर्ग 2 तथा 3 माटे परीक्षानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। 100 जग्याओ माटे उम्मेदवारो आपशे परीक्षा। नायब माहिती नियामक वर्ग 1 सवारे 10 वागे परीक्षा योजाशे। सीनियर सब एडिटर वर्ग 3 बपोरे 3 वागे परीक्षाओ योजाशे। कोरोना की गाइडलाइन साथ परीक्षा आयोजन थशे। अगाउ 10 एप्रिले परीक्षा रखाई थी मौकूफ। तो 10 एप्रिले परीक्षा लेवानी हती, परंतु ते कोरोना काल दरमियान मौकूफ राखवामां आवी हती। फरी एकवार आ परीक्षानुं आयोजन थयुं छे, त्यारे कोरोना की गाइडलाइन मुजब परीक्षानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। विद्यार्थीओमां पण एटलो ज उत्साह छे। अगाउ 10 एप्रिले आ परीक्षाओ मौकूफ राखवामां आवी हती। जे सेंटरो पर आ परीक्षाओ योजावानी छे तेने लईने तैयारीओ पण करी देवामां आवी छे। कोरोनानी गाइडलाइन प्रमाणे विद्यार्थीओने बेसाडवामां आवशे।
सोमनाथ प्रवास दरमियान मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए शिक्षण मुद्दे महत्वनु निवेदन आपता जणाव्युं कि कोरोनानी स्थिति हजी पण नियंत्रणमां आवे त्यार पछी तबक्कावार शिक्षणने फरी एकवार शुरू करवामां आवे तेवी शक्यता छे। महत्वनुं छे कि कोरोनानी स्थितिने जोता सरकारी शाळाओने आ सत्रमां पण विद्यार्थीओने ऑनलाइन ज भणावामां आवे तेवो आदेश आपवामां आव्यो छे। विद्यार्थीओनी सुरक्षा मामले सरकार चिंतित छे अने एटले ज स्थितिनी समीक्षा करीने आरोग्य विभाग अने निष्णातोनी सलाह लईने बादमां ज तबक्कावार शिक्षण शुरू करवामां आवशे। शिक्षण चालू करवा माटे राज्य सरकार तैयारी करी रही छे, परंतु हजी स्टेबल थाय आपणे हजी थोड़ा दिवस राह जोईए छीए कि आज रीते जो ओछा केस हशे तो पहला यूनिवर्सिटी कॉलेजोनो विचार करशुं चालू करवानो अने पछी तबक्का वाइज करीशुं। त्रीजी लहेरमां बाळको માટેની પણ ચિંતા દેશભરમાં થઈ રહી છે, એટલે આપણે ઉતાવળ નહીં કરીએ, બધું ઓલ વેલ હશે પછી આપણે એનો વિચાર કરશું, પ્રયત્ન પણ કરશું। सोमनाथ प्रवास दरमियान मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए सौनी योजना अंगे जणाव्यु कि आगामी बे महीना बाद सौनी योजना काम पूरू थई जशे अने सौराष्ट्र में पाणीनी अति विकट प्रश्न ए पूरो थई जशे। सौनी योजना सौराष्ट्र में पूरी थवाई छे, लगभग आगामी बे महीना में जे 18,000 करोड़ की योजना 115 डेम अनेक तलावों ए सीधा नर्मदा साथे जे सौराष्ट्रनी पानीनो अति विकट प्रश्न ए पण लगभग कायम माटे आपणे पूरो करी रह्या छीए। आगामी बे महीना में सौनी योजना काम संपूर्ण पूरु थशे अने नर्मदा मां नर्मदाना जळथी जोड़ाई जशे बधा, ए प्रकारे पण बहु मोटुं काम सौराष्ट्रनुं। तो केंद्रीय आरोग्य विभागे राज्यना मुख्य सचिव ने पत्र लख्यो छे। डेल्टा प्लस वेरिएंट मामले आ पत्र लखायो, सूरत में मळेला केस संदर्भे आवश्यक पगला भरवा माटे सूचनो आपवामां आव्या छे। जिल्लामां टेस्टिंग ट्रेसिंग अने कंटेनमेंट संदर्भे पगला लेवानी सूचना, वेक्सिनेशन वधारवा माटे अपाई छे सूचना, डेल्टा वेरिएंट ने थती असरो बाबते पण पत्रमां उल्लेख करवामां आव्यो छे। कोरोनानी बीजी लहेरनी असरमांथी हजी देश बहार नथी आव्यो त्यां त्रीजी लहेरनो खतरो छे। कोविड-19 वायरसनुं नवुं डेल्टा प्लस म्युटेशन झडपथी लोकोने संक्रमित करी रह्युं छे, त्यारे गुजरातमां डेल्टा प्लसना 2 केस आव्या होवानो खुलासो थता चिंतामां वधारो थयो छे। स्वरूप बदलाता आ वेरिएंटथी विशेषज्ञो केम लागी रह्यो छे डर, जाणो आ खास अहेवालमां। ભારતમાં કોરોનાની બીજી લહેર માટે જવાબદાર કોરોનાના ડેલ્ટા વેરિયન્ટે ફરી એકવાર સ્વરૂપ બદલ્યું છે। ડેલ્ટાનું નવું વેરિયન્ટ ડેલ્ટા પ્લસ વધુ ખતરનાક થઈને સામે આવ્યું છે। વધુ ચિંતાની વાત તો એ છે કે આ ડેલ્ટા પ્લસ વેરિયન્ટ વેક્સિન અને ઇમ્યુનિટી બંનેને થાપ આપી શકે છે। ડેલ્ટા વેરિયન્ટના કારણે દેશમાં જાણો મોતનું તાંડવ મચી ગયું હતું અને હવે તેનું ઘાતક સ્વરૂપ વધુ તબાહી મચાવી શકે છે। हमको आज तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिफरेंट टाइप के मिले हैं विभिन्न राज्यों में, इसमें 8 राज्य मुख्य तरह इम्पोर्टेंट है जिनमें कि हमको 50% से ज्यादा वेरिएंट ऑफ कंसर्न मिला है, और इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। और अगर आगे हम देखें तो आज की तारीख तक हम 174 जिले हमारे ऐसे हो चुके हैं जिनमें कि हमें वेरियंट ऑफ कंसर्न प्रभावित रूप से मिला है, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और गुजरात। लेकिन इन सभी जगह पे एक सा सिनेरियो नहीं रहा, कहीं पर पहले हमको डेल्टा वेरिएंट ज्यादा मिला। शुरू के पार्ट में आप देखेंगे तो बहुत सी जगह हमको B.1.1.7 पहले ज्यादा मिला अल्फा वेरिएंट, जिस अल्फा वेरिएंट को ग्रेजुअली जो है हमारे डेल्टा वेरिएंट ने रिप्लेस कर दिया। तो ये हमको एक नया पहलू बताता है कि डेल्टा वेरिएंट इज ए स्ट्रॉन्गर वेरिएंट देन B.1.1.7। डेल्टा प्लस वेरिएंटे भारत में रंग बतावानो शुरू कर दीधो छे।
महाराष्ट्र में सोमवार डेल्टा प्लस वेरियंट 21 नवा केस सामे आव्या छे, तो केरल में डेल्टा प्लस वेरियंट 3 केस नोंधाया छे। चिंताजनक बात तो ये कि मध्यप्रदेश शिवपुरी में कोरोना डेल्टा प्लस वेरियंट कारण 4 लोगों मौत थया छे। आ तमाम लोगों दिल्ली और इंदौर प्रवास कर्यो हतो। 7,500 सैम्पल्स लिए गए। 15 मई के बाद यह प्रोग्राम शुरू हुआ है और इन सैंपल्स में 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट आइडेंटिफाई हुए हैं और यह जो 21 केसेस है वे रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर, सिंधुदुर्ग एंड ठाणे में 1 रिस्पेक्टिवली। ભારતના જાણીતા વાયરોલોજીસ્ટ અને એનસે કોચના પૂર્વ સભ્ય પ્રોફેસર શાહિદ જમીલે કહ્યું છે કે અમને અંદેશો છે કે ડેલ્ટા પ્લસ વેરિયન્ટ ઇમ્યુનિટી અને વેક્સિનની સાથે સાથે પહેલાના ઇન્ફેક્શનથી વિકસિત ઇમ્યુનિટીને પણ છેતરી શકે છે, જેથી તે વધુ ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે। દેશમાં કોરોનાના કેસ વધતા કેન્દ્ર સરકાર પણ સતર્ક થઈ છે। સરકારની સલાહ છે કે જો કોરોનાની નવી લહેરથી બચવું હશે તો બિલકુલ બેદરકારી નહીં ચાલે। कोरोना की तमाम गाइडलाइन पालन करवूज पड़े। टेस्टिंग किसी हद तक थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि केस कम हो गए हैं, तो केस के कॉन्टैक्ट कम हो गए हैं तो उनकी टेस्टिंग कम हो रही है, लेकिन टेस्टिंग की क्षमता उसको मेंटेन करना है, वो तैयारी हमारी कम नहीं हो सकती। हमें तैयार रहना है, लापरवाही का टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी भी हमें अगले 5-6 महीने बहुत मेहनत करनी है अपने आप को कड़ाई बरतते हुए, डिसिप्लिन करते हुए, ताकि वैक्सीनेशन बढ़ जाए, इम्यूनिटी हो जाए पॉपुलेशन लेवल पे, तो हम अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। स्कूल की बात करें, कारखानों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, बाजार में काम करने की बात करें, बाजार में व्यापार की बात करें, एक उस माहौल की तरफ बढ़ने के लिए हमें डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है अगले कुछ महीनों तक। आपने डेल्टा वेरिएंट ना कारणे हाल में बीजी खतरनाक लहर नो सामनो कर्यो छे, जो कि कोरोना ना केस घटता नी साथे नागरिको जाने बेदरकार पण बनी रह्या छे। अनेक जग्याए थी भीड़, बेदरकारी अने नियमों ना भंग ना दृश्यो सामे आव्या छे। जो आवी स्थिति रही तो डेल्टा प्लस वेरियंट फरी एक वार तबाही मचावी शके छे। तो रुकाश एक ब्रेक माटे आप जता रहो Z24 कलाक।
વેલકમ બેક ખેડામાં આપના પ્રમુખ ગોપાલ ઇટાલિયા સામે અરજી કરી છે. હિન્દુ ધર્મની લાગણી દુપાતા અરજી કરાય છે. ડાકોર અને કપડવંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી નોંધાઈ. ગોપાલ ઇટાલિયાએ હિન્દુ ધર્મ વિરુદ્ધ આપ્યું હતું નિવેદન. ગોપાલ ઇટાલિયાના નિવેદનનો વિડીયો વાયરલ થયો હતો. તો હિન્દુ ધર્મની લાગણી દુભાતા અરજી કરાયાથી ડાકોર અને કપડવંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી નોંધાય છે. ગોપાલ ઇટાલિયા વિરુદ્ધ આ અરજી નોંધાઈ. હિન્દુ ધર્મ વિરુદ્ધ આપ્યું હતું તેમણે નિવેદન અને તેને લઈને એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો. બનાસકાંઠાના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજીમાં જુદા જુદા વેપારી સંગઠનોની જિલ્લા કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને મહત્વની બેઠક યોજવામાં આવી. અંબાજીમાં યાત્રિકો સાથે દુકાનદારો પ્રસાદ પૂજાપાના નામે લૂંટ ચલાવતા હોવાની અનેક ફરિયાદો સામે આવી હતી. તેને લઈને હવે વહીવટી તંત્ર એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. હવે પંચાયતના રેવન્યુ તોલમાપ અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની ટીમની બજારમાં શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ પર સતત નજર રહેશે. અંબાજીમાં આવતા યાત્રિકો સાથે સુચારુ વ્યવહાર કરવો અને તેમની સાથે વધુ ભાવ ન લેવા તેવી વેપારીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે. હાઈવે પરથી યાત્રિકોના વાહન પાર્ક કરાવવાના નામે પ્રસાદની દુકાને લઈ જવાની પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવશે નહીં. યાત્રિકોની મદદ માટે હેલ્પ ડેસ્કની પણ શરૂઆત કરવામાં આવશે. અલગ અલગ ટીમો જેમાં તોલમાપ વિભાગ, રેવન્યુ, પંચાયત, ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ, જીએસટી અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, આ તમામની અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવેલ છે અને જે ખાનગી રાહે તપાસ પણ કરશે અને આ બાબતે જે હેલ્પડેસ્ક બનાવ્યું છે ત્યાં પણ કોઈ યાત્રિકની ફરિયાદ મળશે તો તે વેપારી જેને છેતરપિંડી કરી હશે તેના વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આજની મિટિંગમાં વેપારીઓને પણ સૂચના કરવામાં આવી છે કે કોઈ વચ્ચે એજન્ટ ના રાખે અને જો કોઈ યાત્રિક આવતા હોય પાર્કિંગ જે મંદિરના પાર્કિંગ તેમાં સરકારી પાર્કિંગ હોય ત્યાં પાર્ક કરી અને જેને પ્રસાદ લેવો હોય તે નિયમ મુજબ પ્રસાદ લઈ શકે. તો પોરબંદર સહિત અન્ય ચાર જિલ્લાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીએ ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ નહીં પહોંચાડવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાત પ્રદેશ એનએસયુઆઈ આગામી બે દિવસોમાં ઉકેલ નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી આપવામાં આવી છે. 2017થી અંદાજે 1 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા પાસ કરી હોવા છતાં આજ દિન સુધી ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ પહોંચતા કરવામાં નથી આવ્યા. આ મામલે આગામી બે દિવસમાં ઉકેલ નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે. જ્યારથી યુનિવર્સિટી અસ્તિત્વમાં આવેલી છે ત્યારથી જે જે ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓનું સરેરાશ ટોટલ મારવા જઈએ ને તો એવરેજ 1,60,000 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા થાય છે. જેમને સ્ટ્રીમ પૂરી કરેલી છે, ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયેલા છે, એમને પોતાની કારકિર્દી આગળ વધારવા માટે જે મહત્વની અત્યંત ભૂમિકા જે મહત્વની ભજવે છે તે ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ હોય છે. હવે એ યુનિવર્સિટીએ આપેલા નથી અને પ્રોવિઝનલ ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ આપી અને મનાવે છે. આ તો ઓલા જેવું થયું કે તમે આરટીઓમાં લર્નિંગ લાયસન્સ આપે તો પાકું લેવા નહીં જવાનું. તો આ સાથે બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું. દેશ દુનિયાની અપડેટ્સ માટે આપ જતા રહો Zee24 કલાક.